अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, और हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमें देखा कि हमारे पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ वन है, ओके, और प्लस हमारे पास ए प्लस बी जो है ये बी की बेसिकली वैल्यू है, ठीक है, और बी एक्स आ गया, और प्लस सी जो है वो ए बी इक्वल टू जीरो है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इनके ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। अब फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉन्स्टेंट है वो वन है, ओके। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमने सेकेंड स्टेप के अंदर जो कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल यानी ए बी, उसको हमने इक्वल के उसी जानिब लेके जाना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पर ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। और अब हमने इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ऊपर, तो ठीक है, टू ए, और ये आ जाएगी हमारी b की वैल्यू, और प्लस हमने b का स्क्वायर लेना है, और इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पर b का स्क्वायर ऐड किया है, कांस्टेंट के साथ भी हमने b का स्क्वायर जो ऐड कर देना है, और b की वैल्यू आपकी ये x के साथ वाला वेरिएबल यानी a प्लस b को आपने 1 डिवाइड बाय 2 यानी इसका हाफ लेना है। तो आप देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये आपका a प्लस b डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपकी b की वैल्यू है, a हमेशा क्या रहेगा, x, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाय 2। तरह ये b की वैल्यू को हम यहाँ पर जहां जहां पर भी b है वहां वहां पर पुट कर देंगे। अच्छा, अब ये चीज देखिएगा, x स्क्वायर वैसी रिटर्न करके वापस आपने चेक करके देखना है, x स्क्वायर ठीक है, प्लस b आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इंटू एक्स भी आ गया देखें, और ये वाला प्लस जो आपका स्क्वायर वाला है ये राइट साइड वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए भी वैसे आ जाएगा। हमने चेक करके देखा तो पिछली वैल्यू हमारी बनती है। अब ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का आपको पता है फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, और इसी तरह इक्वल टू ये जानिब आपके पास जो है यहाँ पे माइनस ए बी, ठीक है, और प्लस आपके पास ये आपके पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, और इसके नीचे डिवाइड बाई टू टू द 4 हो जाएगा। अब राइट साइड पर आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो x प्लस a प्लस b डिवाइड बाय 2 इसका आपके पास हो गया होल स्क्वायर, और इक्वल टू अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो ये आपके पास एलसीएम 4 रहेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 4 अगर आप खुद करके देख लें इसको, तो 4 को अब ये क्रॉस कर लें तो माइनस 4 ए बी आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह प्लस में यानी प्लस है ना, तो सारी वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी क्योंकि 4 से कट जाएगा, तो 2ab इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सही है। और आप देखिएगा x प्लस a प्लस b डिवाइड बाय 2 क्या इसका होल स्क्वायर हो गया, और इस साइड में देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ये 2ab पॉजिटिव है और ये माइनस 4ab है, तो माइनस में 2ab आपकी वैल्यू बन जाएगी और डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास 4। अब ये स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे सॉरी स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों अतराफ पर जो है वो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये मैं 4 थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि इसके साथ ना जुड़े, ठीक है। और अब आप ये देख सकते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से, ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, इतना गलती हो जाएगी, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस ए प्लस जो आपका बी है और डिवाइड बाय 2 आ गया, सही है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बेसिकली a और माइनस b का होल स्क्वायर है, सही है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट मैंने अलहदा कर दिया और नीचे 4 है, ये 2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट भी आ गया, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और x प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू राइट साइड के स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लग गया, सो a माइनस बी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, सो x इक्वल टू ये उधर जाके माइनस और आपकी a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, और प्लस माइनस आपकी
ए माइनस बी डिवाइड बाई टू की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। अब दो फैक्टर आपने बनाने हैं ना, दो रूट्स आएंगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस में आपका जो है यहाँ पर ए प्लस बी डिवाइड बाई टू आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में आपने ए माइनस बी डिवाइड बाई टू कर लेना है, सही है। और दूसरी वैल्यू आपकी एक्स इक्वल टू माइनस में आपके पास ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, और दूसरी वैल्यू भी माइनस में ही है, ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पर ये तो क्लियर होती है कि ये वैल्यू आपस में कट जाती है, देखिए नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, एक एक्स आपका आ जाएगा जीरो। दूसरे एक्स की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है जो कि टू है, अगर टू सेम आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू आपने एज इट इज लिखनी है। और ये याद रखिएगा कि ये माइनस जो है ए प्लस बी का, ये दोनों नेगेटिव में है, यानी माइनस कॉमन लिया हुआ था, ठीक है, ब्रैकेट्स नीति लगी हुई। इसी तरह यहाँ भी माइनस का साइन है और अंदर देखिए ए माइनस बी है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको, देखिए ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, इसका भी देखिए माइनस ए आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा आपका माइनस माइनस, ये के प्लस बी हो जाएगा और डिवाइड बाई आ जाएगा टू। पॉजिटिव बी नेगेटिव बी कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास माइनस में टू ए आ जाएगा और डिवाइड बाई टू, ये टू टू से कटिंग हो गया, एक आपका एक्स आ जाएगा माइनस में ए, और इसमें आपके रूट्स जो आ रहे हैं एक जीरो है और एक आपका है माइनस ए। अब ये हो गया आपका सोल्यूशन सेट, इसके दो रूट्स के, मैं अब आंसर कन्फर्म कर लूँ, ये हमारा जो है वो इसका पार्ट नंबर फोर है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन के पार्ट फोर का आंसर एक तो ठीक आ गया लेकिन इसका कहता है कि माइनस में बी आएगा। हाँ स्टूडेंट्स, ये वाला भी हमारा क्लियर नहीं है, इसकी एक रीज़न आती है, देखें मैंने इसको कटिंग तो कर दी है लेकिन एक चीज़ नहीं आपने यहाँ पर नोट की, मैंने भी नहीं देखी थी, देखें ए प्लस बी डिवाइड बाई टू है और प्लस में ए माइनस बी डिवाइड बाई टू है, यहाँ पर भी आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ये भी आपका माइनस में ए प्लस बी और प्लस में आपका a माइनस बी ही लिखा जाएगा, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है ना। ये जो अभी दूसरा सोल्व किया है, a माइनस ए माइनस बी प्लस ए और माइनस बी रहेगा और डिवाइड बाय टू, बिल्कुल ठीक है, हम इसको जजमेंट हमारी गलत हो गई है, तो इस तरह आप आपने देख लेना है, कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है तो आपने नहीं करनी, ठीक है। तो पॉजिटिव a नेगेटिव a कैंसिल हो गया, माइनस बी आपके पास जो हो गया माइनस टू बी हो गया, ठीक है, और डिवाइड बाय टू, टू टू से कैंसिल हो गया तो आपका दूसरा रूट ये जो आ रहा है माइनस में बी है। अब ये जो हमने जीरो बताया था ये जीरो नहीं रहा, माइनस बी हो गया, इसलिए मैंने आंसर चेक किया था कि अगर गलती होगी तो चेक कर लेंगे। आई होप के स्टूडेंट अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसके साथ ही आपने जो है वो बेल आइकन पर क्लिक भी कर लेना है ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त आसानी मिलती रहे। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।